एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे और आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे, टाइटल से भी पहचान गए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं प्रिया दीप के बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली कौन नहीं जानता उनको, और उनके जरिए से उनकी भाभी को भी आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं जानता। और उन दोनों के बीच में एक जना और आ गया है। आप लोग जानते होंगे कि उनकी भाभी हैं जो वो प्रेग्नेंट थी और उनके घर में एक बेबी आ चुका है। तो अभी वो प्रियादीप की भी मैंने वीडियो देखी थी, प्रियादीप जी की, तो वो भी अपने पिहर जा चुकी हैं और उनके हाथों में मैंने वो छोटा सा बेबी उनके हाथों में देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। और मैं एक्चुअली कल ही ये वीडियो अपलोड करना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि उनको बधाई देना मतलब बनता है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, ये YT है, YT पे हम लोग काम करते हैं तो ये हमारी एक फैमिली ही है। और फैमिली में जब थोड़ी सी भी कहीं भी खुशी या दुख होता है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करने आ जाते हैं। दुख होता है तो दुख बांटने आ जाते हैं और खुशी होती है तो खुशियों में भी हम शामिल हो जाते हैं। तो जैसे फैमिलियों में बिन बुलाए मेहमान होते हैं ना, के होते हैं ना, जो अब पूरी फैमिली में अगर नहीं, उनका तो हक कह के आना होता है, तो ऐसे ही कुछ YT पे होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जब ये देखा तो जब उनकी मैंने वीडियो देखी थी, उनकी भाभी की, यूपी ब्लॉगर आराध्या जी हैं जो उनकी वीडियो देखी थी, तो मैं तो मतलब हेड्स ऑफ मतलब उनको मतलब वो हॉस्पिटल जाने के टाइम पर मैंने उनको देखा कि वो हॉस्पिटल जा रही हूँ। कह रही थी कि आज मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है और मैं बस हॉस्पिटल जा रही हूँ और आज ही कोई गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। तो मैं ये सोची थी कि ऐसी कंडीशन में भी वो वीडियो शूट कर रही थी और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रही थी और किसी क्रीम के बारे में भी बता रही थी। तो सच में यार हेड्स ऑफ है उनके लिए, मतलब गजब है कि वो ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने ये करना जरूरी समझा। क्योंकि सच बात है कि हम लोग तो शायद मुश्किल ही हो सकता है ये हमारे लिए कि हम ऐसी कंडीशन में कैमरा भी फेस करना मतलब हम सोचेंगे, तो उनके लिए तो सच में बहुत ऐसी कंडीशन में उन्होंने ये सब किया, बहुत बड़ी बात है उनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी कि वो इस काम को कितनी मतलब शिद्दत से कर रही है कि वो किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाहती है, वो हर चीज अपडेट देना चाहती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, प्रियादीप जो कि दोबारा से बुआ बन चुकी हैं और उनकी भाभी जी जो कि दोबारा से मम्मी बन चुकी हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत प्रेशियस होता है क्योंकि ये बहुत मतलब दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं भी ये जो टाइम होता है ना बहुत ज्यादा मतलब दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुशी वाला मोमेंट होता है। क्योंकि मैं मामी बनने वाली हूँ, मैं एक बार मामी बन चुकी हूँ और अब मैं दोबारा से मामी बनने वाली हूँ, मतलब आई थिंक 4 मंथ्स के बाद मैं बन जाऊंगी। तो क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ है वो भी प्रेग्नेंट है, तो वो जो खुशी होती है ना अपने हाथ में, जब मैंने अपने पहले मतलब अपनी सिस्टर इन लॉ के बेटे को मैंने अपने हाथ में लिया था ना, तो वो जो मोमेंट होता है ना वो बहुत अलग होता है। तो वही वाली बात है, अब ये जो बुआ बनी है प्रियादीप जी, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, मैं फील कर सकती हूँ उस चीज को। सो आप लोगों को दोनों को मैं बस बधाई देना चाहती हूँ और मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए जो मोमेंट होगा बहुत ज्यादा अच्छे वाला है। मतलब इंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, ये बहुत अच्छा होता है। और अभी तो मतलब जब तक बच्चा है ना, बड़ा नहीं हो जाता ना, जब उसकी छोटी 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 बातें होती है, छोटी छोटी हरकतें होती है, उसका चलना, खेलना, मुस्कुराना, उंगली पकड़ना, ये सब बहुत कहते हैं ना गोल्डन टाइम होता है, इस सब चीज को जीने का मन करता है। तो बस मैं आप लोगों से ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लाना चाह रही थी, क्योंकि आप लोगों को भी बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जिनको नहीं पता, तो मेरे जरिए से शायद उन लोगों को भी पता चल जाए। तो बस मैं आप लोगों के सामने इन लोगों को बधाई देती हूँ, और प्रियादीप जी और भाभी जी मैं आपको भी बधाई देती हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपकी सेहत, बाबू की सेहत, सबकी सेहत अच्छी रहे और बहुत अच्छी आपका जो बेटा या बेटी अभी तक मुझे कन्फर्म नहीं है, तो जो भी है वो बहुत ज्यादा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आप भी अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाए। तो बस मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अगेन, तो
तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो हो सके तो आप इंजॉय कीजिएगा और शेयर किए बिना मत जाना, लाइक किए बिना मत जाना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। फिर मिलती हूँ मैं आपसे।